morning. Today we are going to do exercise 6.2 from question number 11. अगर हमने कर लिया है तो देख लीजिए ना, नहीं हुआ तो देख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 11, y upon 16 equal to 7 upon 48. y यही छोड़ा, 7 upon 48 ये डिवाइड में है जो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसलिए इधर दूसरी तरफ ऊपर ये हो गया 16. 16 की टेबल में 16 बन जा 16 एंड 16 फिर जा 48, तो आंसर कितना रहेगा, 7 बन जा 7 एंड नीचे हो गया 3. यही हो गया. वेरीफाई करने के लिए आंसर y की जगह 7 अपॉन 3 अपॉन 16, ठीक है, 16 का मतलब हो गया अपॉन 1 यानी मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया, इक्वल टू अपन इसको ले सकते हैं 7 अपॉन 3 इनटू 1 अपॉन 16 इक्वल टू कितना हो गया 7 अपॉन 63 जा 48. ये हो गया आपका वेरीफाई. एक 12 देखो, 12 में है 3n-2 is equal to 22. 3n is equal to 22, ये माइनस 2 इधर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, यानी 3n is equal to हो गया 24 और n is equal to हो गया 24. 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में था वो अगर डिवाइड में, यानी नीचे 3 से डिवाइड कर दो 24 को, तो 3 8 जा 24 8 टाइम्स. आप जरा वेरीफाई कर लें हम, तो वेरीफाई के लिए 3 इंटू एक्स की जगह पे 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 22. 3 8 जा 24 माइनस 2 इज इक्वल टू 22 आ रहा है. 24 में से 22 माइनस हुआ तो 22 आ गया, वेरीफाई हो गया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13. 13 में हम 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 45. 4x इज इक्वल टू 45, प्लस का 9 उधर जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा. 4x इज इक्वल टू 45 में से 9 माइनस कर दो तो 36. x इज इक्वल टू 36 अपॉन 4, अब 4 से डिवाइड कर दो, 9 टाइम्स आया. अब इसको वेरीफाई करें तो वेरीफाई हो जाएगा 4 इंटू एक्स की जगह पे 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 45. 9 4 जा 36 प्लस 9 इज इक्वल टू 45 आ रहा है, वेरीफाई हो गया. क्वेश्चन नंबर 14. 14 में है 14 l इज इक्वल टू 56, तो l इज इक्वल टू 56, ये 14 मल्टीप्लाई में है तो उसके नीचे आ जाएगा. 14 से डिवाइड कर दो 56 को 4 टाइम्स, l इज इक्वल टू हो गया 4. अब वेरीफाई करें तो वेरीफाई करने के लिए 14 इंटू l की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो 14 4 जा 56, वेरीफाई हो गया. क्वेश्चन नंबर 15. 15 t प्लस 15 इज इक्वल टू 19, तो ये हो गया 15 t इज इक्वल टू 19 माइनस 15. 15 t इज इक्वल टू 19 में 15 माइनस कर दो 10 में से 1 गया 5, 8 में से 1 गया 7, तो ये हो गया t इज इक्वल टू 75 अपॉन 15. 15 से डिवाइड कर दो 5 टाइम्स, तो अब p की वैल्यू 5 लगा दो. सुतरा वेरीफाई करने के लिए 15 इंटू p की जगह 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 19. 15 5 का 75 प्लस 15 इज इक्वल टू 19 हो गया. क्वेश्चन नंबर 16. माइनस 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 107, तो माइनस 5x इज इक्वल टू 107, माइनस 8 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा. माइनस 5x इज इक्वल टू 7 और 8 15 कैरी 150, तो x इज इक्वल टू 115 माइनस 5, तो ये हो गया माइनस और प्लस माइनस माइनस होगा 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टू जब 10 एंड 5 थ्री जा 15 आएगा. आप जरा वेरीफाई करें तो माइनस 5 इंटू माइनस 23 माइनस 8 इज इक्वल टू 107. देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 थ्री जा 15 और 5 टू जब 10 और 111 माइनस 8 इज इक्वल टू 107. वेरीफाई हो गया, मैंने शॉर्ट में लिख दिया वेरीफाई. क्वेश्चन नंबर 17.
84. तो देखो 4y और 3y मिला के कितने हो गए, 7y is equal to 84 और y is equal to 84 और 7 का आ जाएगा इसके नीचे डिवाइड में, 7 से डिवाइड करो, 7 को 7 से गुणा 14, 12 आया वेरीफाई, अब वेरीफाई करें तो 4 into 12 plus 3 into 5 के 12 is equal to 84. देखो 4 12 4 जा 48 plus 12 की जा 36 is equal to 84. प्लस करके देखिए 84 आ रहा है. तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 17. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18. 18 में देखिए 5 plus 9x minus 7 is equal to 9x minus 2 minus x. देखो दोनों तरफ x x इधर रख लेते, 9x ये 9x इधर ले आओ, minus का 9x ये 1x इधर ले आओ, plus का x हो जाएगा. अब उधर नंबर ले जाओ minus 2, ये 5 इधर जाएगा minus का 5, ये 7 इधर जाएगा plus का 7. देखो 9x से 9x से कुछ नहीं बचा, केवल 1x बचा. इक्वल टू माइनस से 5 और माइनस का 2 मिला के हो गया माइनस का 7 और माइनस के 7 में से प्लस का 7 मिल गया तो 0. तो वैल्यू भी देख लो, आप वेरीफाई कर लेंगे 5 प्लस 9 इनटू 0 माइनस 7 इज इक्वल टू 9 इनटू 0 माइनस 2 माइनस 0. तो 5 9 और 5 कितना, 5 माइनस 7 इज इक्वल टू 9 माइनस 2. यहां भी 7 है यहां और 9 से कट गया ये, सॉरी 9 तो आया, 9 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये रह गया सिर्फ माइनस 2 और यहाँ पर भी रह गया है माइनस 2. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि हो ही जाए अपना 19 में है x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 19. तो x इज इक्वल टू 19, 1 अपॉन 2 जाएगा माइनस का होता है.